जिस प्रकार से आज राजधानी से 100 किलोमीटर दूरी पर मेवात जगह पूरा पाकिस्तान बन चुका है। इस देश में शर्मनाक बात है, इस देश में हमको अपना भगवा उतार के तिलक मिटा के और कलेवा काट के हम लोग को कार में छुप छुप के भागना पड़ा। हम लोग का इस्लामी करने लोग करना चाहते हैं, ठीक है। देश की जनता क्या देख के विपक्ष को वोट करे? विपक्ष वोटर की क्या मजबूरी, आपकी तो मजबूरी, उनकी क्या मजबूरी? बोलिए बोलिए। सर से मेरा एक सवाल है, मोदी जी का हमारे पास एक स्पष्ट चेहरा है कि वो है, आपके पास कितने ऐसे चेहरे हैं कि हम उन्हें देख करके वोट दे दें? एक एक बच्चे के पता होता है कि ये मेरा इंग्लिश का टीचर मुझे इंग्लिश पढ़ाता है, अगर वो चेहरा बदल जाए तो उसे पता नहीं चल सकता, समझ नहीं आ सकता कि मुझे कौन पढ़ाएगा। अब ये दोनों महानुभाव जो खड़े हैं, इनको इतनी शर्म नहीं आती है कि इन्होंने 70 सालों से देश को जातियों में बांटा, धर्म में बांटा, बदमाश पैदा किए। आज वो अब सुधांशु जी ने कहा था ना कि इन्होंने बोया हमें काटना पड़ रहा है, आज वो बदमाशी खत्म की जा रही है। तो आज के इस वीडियो में ऑडियंस ने अनुराग भदौरिया को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया, क्योंकि अनुराग भदौरिया हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को कुछ भी नहीं बोल रहा था, लेकिन मुसलमानों का बहुत तरफदारी कर रहा था कि उसके साथ बहुत गलत हो रहा है देश में। तो इसी बात पर जब ऑडियंस ने सवाल करना शुरू किया तो भदौरिया अपनी आदत के अनुसार डिबेट में चिल्लाने लगा और कुछ भी बोले जा रहा था। तो इसी बात पर ऑडियंस ने उसे डिबेट में अच्छे से धो दिया है। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए आगे। और बताते हैं सर, मणिपुर का बात जरूर की, ठीक है करिए, लेकिन सर मेवात से माँ है, मेवात में पूरा जो घटना हुआ है ना, हाथ में पथराव किया गया है, जला है हाथ, कई लोग घायल हुए हैं। मेवात से आए क्या? हाँ, बीजेपी मेवात से आए हैं। ये क्या आपको वहाँ पे सर फेंका था महिला लोग का, जब हम लोग मंदिर में गए थे नारायण मंदिर में, तो वहाँ पे फेंका गया था। क्या आपको वहाँ लगी? जी वहीं पे लगा है, ब्रिज मंडल यात्रा में। क्या हुआ था? फेंका गया था सर, जब कार में हम लोग चारों तरफ से हम लोग को मुस्लिम लोग घेर लिया था, जब हम लोग वहाँ से भाग रहे थे तो हम लोग को फेंका गया था, और जो भैया लोग थे जो अपने परिवार बचा के साथ गए थे उनका गाड़ी तोड़ दिया गया। नल्हर मंदिर में थे? नल्हर मंदिर में जी सर। कब की बात है? सर 31 तारीख की। आप भी थे वहाँ पर? जी सर मैं भी था वहाँ पर, हम सब साथ में, हम दोनों एक ही गाड़ी में थे। जी हम सब एक ही गाड़ी में थे। जिस प्रकार से आज राजधानी से 100 किलोमीटर दूरी पर हरियाणा के अंदर मेवात जगह पूरा पाकिस्तान बन चुका है। वो सब नहीं, मेरे को जानना हुआ क्या था, जो चारों तरफ से हमारी गाड़ियों को घेर लिया गया नल्हड़ मंदिर के नूह के पास, और उसके बाद भरसक पत्थरबाजी होने लगी, चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं। हम सब ने अपनी गाड़ियों के नीचे सर झुका लिया, कलावा उतार के फेंक दिया। आपको वहीं से लगी सर? ये सर आपको बताते हैं, इतना बड़ा इस देश में शर्मनाक बात है, इस देश में हमको अपना भगवा उतार के तिलक मिटा के और कलेवा काट के हम लोग को कार में छुप छुप के भागना पड़ा। हम लोग का इस्लामीकरण लोग करना चाहते हैं, ठीक है। और सर एक बात और चाहते, वहां की महिला पता है क्या बोल रही थी कि बाबू शाम होने से पहले हम लोग कैसे भी निकलवा लो, अगर हम लोग नहीं निकलते तो हम लोग के साथ ही लोग बलात्कार। बैठिए बैठिए सर, सवाल ये है कि देश की जनता क्या देख के विपक्ष को वोट करे? विपक्ष वोटर की क्या मजबूरी, आपकी तो मजबूरी, उनकी क्या मजबूरी? देखिए उनको पता है, देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को झूठ और जुमले के अलावा कुछ नहीं आता। अभी ये इंडिया की बात नहीं बोला, वैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, अब इंडिया बोलने से डरने लग गए हैं, अब कहते हैं इंडिया और भारत, इंडिया और भारत। तो तब आपने क्यों नहीं बोला मेक इन भारत? तब तो आपने नारा नहीं लगाया। नहीं नहीं, आप मेक इन भारत बोला आपने, आपने डिजिटल भारत बोला। आप इंडिया चूंकि आपको ऐसा लगने लगा है कि अब जनता चूंकि इंडिया के साथ है, अब आपके साथ बचा नहीं है, तो आप टॉर्च लेके पासवान जी आप कहाँ हो? आओ आओ आओ, बहुत दिन हो गया मिले नहीं। आओ पासवान जी, फिर आप फौज के लाते बैठ जाइए। जनता इंडिया के साथ है, इंडिया आई डॉट डॉट वाले इंडिया, कौन कौन है हाथ खड़ा करिए? आप है? नहीं नहीं, इंडिया के साथ अनुराग भाई कह रहे हैं, जनता I.N. इनके साथ तीन है, बाकी भारत के साथ कौन कौन है? चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है, अब सुधांशु जी जवाब दे दीजिए। शाइनिंग इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, क्या? देखिए यदि केवल भाषाई अनुवाद की बात हो तो इंडिया और भारत समान है, अगर ट्रांसलेशन की बात हो। पर राहुल गांधी ने नहीं कहा यह ट्रांसलेशन की लड़ाई है, उन्होंने कहा यह कॉन्सेप्ट की लड़ाई है, यह विचारधारा की लड़ाई है, और जब विचारधारा की बात आती है तो इंडिया और भारत की विचारधारा में जमीन आसमान। चलिए कब से है ये अंग्रेजों के जमाने से मानना नहीं चाहिए? फिर डिजिटल अंग्रेजी का शब्द है, इंडिया अंग्रेजी का शब्द है, मेक इन अंग्रेजी का शब्द है, इंडिया अंग्रेजी का शब्द है, स्टार्टअप अंग्रेजी का शब्द है, इंडिया अंग्रेजी का शब्द है। तो भाषाई अंतर में दोनों समान है, अनुज भाई, पर वैचारिक में दोनों में जमीन आसमान। अनुज भाई फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ, जी अनुज भाई, अच्छा एक चलिए आप ही पूछ लीजिए। हाँ बताइए बताइए। सर सुधांशु सर से मेरा क्वेश्चन है कि सर आपने बताया कि जो 1998 से पहले जो देश था वो तो कांग्रेस के शासन में था, आप इस तरफ हम लोगों को नहीं धकेल रहे हैं कि चाइना में कम्युनिस्ट शासन है, वो एक तरफा शासन कर रहा है, वो डिसीजन लेने में मतलब एक ही तरह का सवाल 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 यही सवाल ही है सर कि वो मतलब सर वहाँ पे वो एक तरफा शासन कर रहा है, ठीक है। वो बहुत गंभीर बात है, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य था यदि मजबूत सरकार होती है तो बड़े कड़े फैसले ले सकती है, जैसे हमने यह तय किया कि हमने 9 साल पाकिस्तान से बात नहीं की। गठबंधन सरकार होती तो बहुत समस्या आती, यदि हमने और जो आपने चाइनीज और हमने बाला को सुनिए अनुराग भाई, भाई अब तो याद दिला दिया, इतनी ठुकाई की बेचारे आज तक चिल्ला रहे हैं।
अनुराग भदौरिया, उन्होंने इंतजार किया अपने टर्म का। अब रही बात इसकी, इन्होंने कहा कि हम चाइनीज मॉडल की बात कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं जो INDIA की पार्टियां हैं ना, वो सब शी जिनपिंग मॉडल पे चलती हैं। शी जिनपिंग मॉडल क्या है, आपको याद हो 2 साल पहले शी जिनपिंग ने चाइना के संविधान में संशोधन करा के ये तय कर लिया कि वो जीवन भर चाइना के राष्ट्रपति रह सकते हैं। तो इन सब पार्टियों ने अपने अपने परिवार, इनके देखिए किसी के संविधान में नहीं लिखा होगा कि यहां बदला जाएगा इनका अध्यक्ष, ये जीवन भर अध्यक्ष रहते हैं और उसके बाद हमारा बेटा बेटी हो जाएगा। तो शी जिनपिंग मॉडल तो चाइना का मॉडल तो इन्होंने अडॉप्ट कर रखा है। सर से मेरा एक सवाल है, मोदी जी का हमारे पास एक स्पष्ट चेहरा है कि वो हैं, आपके पास कितने ऐसे चेहरे हैं कि हम उन्हें देख करके वोट दे दें? एक एक बच्चे के पता होता है कि ये मेरा इंग्लिश का टीचर मुझे इंग्लिश पढ़ाता है, अगर वो चेहरा बदल जाए तो उसे पता नहीं चल सकता, समझ नहीं आ सकता कि मुझे कौन पढ़ाएगा। और अनुराग भाई सवाल मेरा ये है, अखिलेश जी में तो चेहरा की काबिलियत है, अखिलेश जी तो चेहरा मानेंगे, इतने आप में शायद बिल्कुल हैं, क्यों नहीं अखिलेश जी चेहरा है, 2024 के चेहरा अखिलेश जी तो दोगे भाई, कि आप ही बात पकड़ लोगे यार, अभी आपने बोला अखिलेश जी, अखिलेश अनुज भाई से पूछ लीजिए तो राव भी चेहरा है, अब ऐसे तेज से बोलिए ना, चेहरा है पवार साहब भी चेहरा है, हमारे यहाँ पे चेहरों की कमी नहीं है, इनके पास चेहरा ही नहीं है। एक लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में सभी चेहरे होते हैं और जो जीत के आएगा वो एक एक लोगों को चुन लेगा, इसके पहले कई बार ऐसे चुनाव हुए जब लोगों को चुना गया है। अच्छा मतलब एक चेहरे पे कई चेहरे, हाँ हाँ हाँ, एक बार सुधांशु जी बोल लीजिए सुधांशु जी, मतलब क्या एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, तो वो एक चेहरे पे कई चेहरे हैं। अच्छा वो कह रहे हैं, अनुराग भाई कह रहे हैं, अनुज भाई कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे चेहरे हैं, तो ऑप्शंस आप लोगों के पास कई सारे होंगे, तो बेटर क्या है? वैसे मैं दर्शकों के संज्ञान के लिए एक बात बता दूं, दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां एक साल के लिए ही प्रधानमंत्री होता है, वो जानते हो ना, स्विट्जरलैंड, हर साल प्रधानमंत्री बदले। इनका गठबंधन तब बेहतर हो सकता है अगर हर हफ्ते के एक दिन एक प्रधानमंत्री को दे दिया जाए, सोमवार को ये, मंगलवार को ये, तो इनका गठबंधन ज्यादा बेहतर हो। अभी अभी अमन जी आपने भारत, एक मिनट किससे सवाल, अभी आपने भारत और इंडिया पर तो वोटिंग कराई लिया, उसमें स्पष्ट भारत जीतेगा और जीतते रहा है। अब आप सुन लीजिए बात, अब ये दोनों महानुभाव जो खड़े हैं, इनको इतनी शर्म नहीं आती है कि इन्होंने 70 सालों से देश को जातियों में बांटा, धर्म में बांटा, बदमाश पैदा किए। आज वो अब सुधांशु जी ने कहा था ना कि इन्होंने बोया हमें काटना पड़ रहा है, आज वो बदमाशी खत्म की जा रही है इन्होंने। अब देखिए, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी जात धर्म का व्यक्ति हो, अगर समाज के अंदर में नफरत की राजनीति करेगा, ठोक के कार्रवाई कीजिए, ठोक के कार्रवाई कीजिए। हां बस 30 सेकंड, बस मुझे वाइंड अप करना, बस हो गया। वैसे इसमें ऑडियो, वैसे एक बात बताए, लास्ट है, जब हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने ठोक के कार्रवाई की थी तो संसद विधानसभा में खड़े हो गया अखिलेश जी, बोले थे अपनी भाषा देखिए कि कह रहे हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे तो उनमें इनको भाषा याद आ रही है। अरे सुनिए, हमने वो कार्रवाई की, सुनिए, जो याद करिए ना, यूपी चुनाव के समय एक नारा चला था कि वो भोजपुरी में लाइन थी कि बिलवा में घुस जाएला सब साफ बिच्छू गोजर चले ला जब चाप के बाबा का बुलडोजर, हमने वो करके दिखाया था। चलिए, अनुराग भदौरिया जैसे लोग हमेशा इन लोगों से कोई भी कुछ भी सवाल करता है तो कभी भी सीधा सीधा जवाब नहीं देते हैं, ऐसे ही अपनी बातों को घुमाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से लोग कितना भी हर बार सुनता भी है लेकिन अब ये लोग को कोई कुछ भी बोल दे इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना ज्यादा बेशर्म हो चुका है ये लोग। अमन चोपड़ा जैसे लोग ही से सीधा करते हैं अच्छे से, और ऑडियंस से कितना भी धुलाई करने के बाद तो बेशर्म हो चुका है, ऑडियंस इन लोगों को अच्छा होती है हर बार। खैर, आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।